हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घर का वैद्य में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि छोटा बच्चा दूध गिरा देता है, जैसे छोटा बच्चा बार बार दूध पीते ही दूध गिरा देता है, उसे ठीक करने का एक छोटा सा घरेलू उपाय, उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाने का एक छोटा सा घरेलू उपाय। यदि बड़ा बच्चा भी कोई दूध पीने के बाद उसे उल्टी आ जाती है या फिर उसकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, तो उसे घर पर ही हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? सौंफ, थोड़ी सी चुटकी भर सौंफ और पीसी हुई मिश्री। यदि मिश्री नहीं है तो आप चीनी को भी पीस सकते हैं। ये सामग्री हम यूज करेंगे और बनाएंगे एक छोटा सा मिश्रण, जिसे बच्चे की पाचन शक्ति को ठीक किया जा सकता है। अगर छोटा बच्चा दूध गिरता है तो वो ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें तवा गर्म करने के लिए रख देना है। उसके बाद हम चुटकी भर इस थोड़ी सी सौंफ को तवे पर भून लेंगे। तवा गर्म होने के बाद इस प्रकार से इसको भून लेंगे। हमारी सौंफ भुनकर तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, सौंफ भुन गई है। अब हम इसे पीस लेंगे। इस प्रकार से हम इसे रगड़ लेंगे, इसको बारीक कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास पीसी हुई मिश्री नहीं है तो आप मिश्री को भी इसके साथ ही पीस लें। मैंने इन मिश्री को पहले पीस रखा है, ये पीसी हुई मिश्री है। दोस्तों, आप चीनी को भी पीस सकते हैं, चीनी को भी पीस कर इसमें मिला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये चूर्ण मैंने बना लिया है। ये मैंने सौंफ को भून कर उसका चूर्ण बना लिया है और अब इसमें मैं डालूंगी पीसी हुई मिश्री। एक छोटा चम्मच पीसी हुई मिश्री डालेंगे और इस मिश्रण को हम इस प्रकार से मिक्स करेंगे और हम इसे किसी कंटेनर में डालकर बंद करके ज्यादा बनाकर भी रख सकते हैं। इसे कई बार बच्चा अगर दूध डालता है तो तभी बच्चे को भी दे सकते हैं, नहीं तो आप सुबह खाली पेट बच्चे को इसे थोड़ा सा चुटकी भर चटाने से, बच्चा अगर बार बार दूध गेर देता है पीते ही, उसकी पाचन शक्ति थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो आप बच्चे को थोड़ा सा चटा दीजिए चुटकी भर, इससे बच्चा दूध नहीं डालेगा।
और उसकी पाचन शक्ति में भी सुधार आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी हेल्थ वीडियो। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें, और यदि आपका हमारे इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।